भाजपा कहती है और हेमंत सोरेन करके दिखा देते हैं। इस बार जो है सो हेमंत सोरेन ही निकलने वाले हैं। क्यों हेमंत सोरेन? क्योंकि जैसे देखिए किसान के लिए वो बहुत मतलब जितना कर्ज था सब माफ कर ना होते इतना सब माफ हो बिजली बिल सबके माफ कर लक है। अरे जखने लॉकडाउन में सब फसल ले तखने सबके आनलक है। अच्छा। और देखे सब 1000 रुपया दे रहा है तो वही सब हेमंत सोरेन के वोट दे। ये हेमंत सोरेन का माहौल है। हेमंत सोरेन क्यों? हेमंत चाची कह रही है इसलिए आप भी कह रही है हेमंत सोरेन? नहीं सब लोग बोलेंगे वही हेमंत सोरेन। अभी सब लोग के पैसा को महीना दे रहा है। अभी 3 बजे पैसा उठे लिया अरे किने सबकी बिजली माफ बोला है। हेमंत सोरेन ने कोई काम किया है 5 सालों में? बहुत काम किया है, बिजली माफ किया। तो आदमी कहाँ गरीबों के हित में कहाँ, कोई सरकार वैसे सोचने वाला कोई नहीं। अगर है वैसा सरकार तो यही है माननीय हेमंत जी और इंडिया गठबंधन के सभी लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह राज दनवार जो विधानसभा है उसमें मौजूद हूँ और गुज्जी एक गांव है, गुज्जी में मैं मौजूद हूँ और इधर की तरफ स्कूल है और दूसरी तरफ यहाँ कई लोग हैं। इनसे हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार किसका माहौल है, क्या हेमंत सोरेन 5 साल के कार्यकाल पर वोट होगा या भाजपा जो वादे कर रही है उस पर वोट होगा। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताएं सर। इरफान अंसारी। इरफान जी, इस बार क्या लगता है, क्या माहौल है? इस बार तो माहौल पूरा धूमधाम है। हेमंत सरकार का सरकार आएगी, हेमंत सोरेन की सरकार फिर आएगी। हेमंत सोरेन ने क्या ऐसा काम किया है? बहुत काम किया है, बिजली विभाग माफ किया है और मैया सम्मान योजना का महिलाओं का लाभ भी दिया है। भाजपा भी तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, गोगो दीदी में 2100 रुपया मिलेगा, गैस सिलेंडर 500 में मिलेगा। भाजपा कहती है और हेमंत सोरेन करके दिखा देती है। अच्छा, इसलिए ये हेमंत सरकार को वोट करेंगे। आप अपना नाम बताएं दादा जी। मेरा नाम मोहम्मद सलीम अंसारी। सलीम अंसारी, सलीम जी इस बार क्या किसको चुनेंगे, क्या है माहौल? देखिए इस बार जो है सो हेमंत सोरेन ही निकलने वाले हैं। क्यों हेमंत सोरेन? क्योंकि जैसे देखिए किसान के लिए वो बहुत मतलब जितना कर्ज था सब माफ कर दिया। बिजली जो बिल था वो भी माफ कर दिया। और देखिए घरेलू परिवार जो है महिला उन सबों के लिए 1000 जो मंथली कर दिया है उसमें उनका बहुत सहयोग हो जाता है। तो ये राज धनवार सीट है, यहाँ से भाजपा समझती है कि हम ही जीतेंगे, बाबूलाल मरांडी यहाँ से लड़ रहे हैं। देखिए सब अपना प्रस्ताव अपना रखते हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे, लेकिन ये अंधेरी नगरी में कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। ठीक है, हम दीदी लोगों से बात करते हैं। आइए 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 आइए, आप ही लोगों से बात करने आए हैं। दीदी इधर आइए, इधर आइए दीदी, इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए। आपका नाम क्या है? मेहरून खातून। मेहरून खातून, इस बार क्या माहौल है? ठीक है। किसका है? हेमंत सोरेन को वोट दीजिएगा। हाँ। हेमंत सोरेन को क्यों वोट दीजिएगा? सब बिजली बिल माफ भेला है। आपका कितना माफ हुआ? जितना होता है ततना सब माफ भेला, बिजली बिल सबके माफ कर लक है। हाँ। जखने लॉकडाउन में सब फसल ले तखने सबके आनलक है। अच्छा। देखे सब 1000 रुपया दे रहा है तो वही सब हेमंत सोरेन के वोट देगा। भाजपा कह रही है कि 2100 रुपया देंगे, सिलेंडर 500 में देंगे। कहे वो वाला ना है कि हम हेमंत सोरेन के दबा वोट। हेमंत सोरेन के दीजिएगा, एकदम मन बना लिए हैं? हाँ, एकदम मन बना लिए। हाँ? या क्या वो थे तो उन पर चुन लिए। अच्छा, हेमंत सोरेन के? हाँ। आप भी उन्हीं को दीजिएगा। हाँ। मैं दा ले थी सब जकर किस्मत में वर्षा से है जीत भे बाबू। अच्छा, क्या जीतते? आप वोट करती हैं? हाँ। इस बार किसका माहौल है? ये हेमंत सोरेन का माहौल है। हेमंत सोरेन क्यों? हाँ, चाची कह रही है इसलिए आप भी कह रही है हेमंत सोरेन? हाँ, नहीं सब लोग बोलेंगे वही हेमंत सोरेन। हाँ। क्यों हेमंत सोरेन? भाजपा भी तो कह रही है कि 2100 रुपया देंगे दीदी लोगों को। उन लोग बोल रहा है ना, उन लोग दे रहा है हेमंत सोरेन, लोग खाते है। अच्छा एक बात बताइए, आपका कोई योजना के तहत आप लाभान्वित हैं? हेमंत सोरेन किसी योजना से आप लाभान्वित हैं? कोई योजना? हाँ, जरूर। कौन सा योजना मिलता है? महिलाओं के मिल रहा है 1000 रुपया। अच्छा। और बोलेगा हम जीतेगा तो 2500 रुपया देंगे। तब कितना किस्त मिला? बहुत किस्त मिला, तीन किस्त मिला, हमने के बहुत। अच्छा, आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? ठीक है दीदी, आप लोग बात करेंगे, आइए ना।
क्या है माहौल? हेमंत सोरेन का माहौल है। हेमंत सोरेन का? हेमंत सोरेन क्यों दीदी? सब लोग हेमंत सोरेन कह रहे हैं, ये सब लोग कह रहे हैं, इसलिए आप भी कह रही हैं? हाँ, अभी सब लोग को पैसा को महीना दे रहा है, अभी 3 बजे पैसा उठे लिया, अरे किने सबकी बिजली माफ बोला है, इसीलिए फिर देते इसीलिए। तो उन पैसों का जो 3 महीने आप उठाई, उन पैसों का क्या किया दीदी? अपने बाल बच्चा को खाना खिलाया। बाल बच्चा को खाना पीना खिलाया। हाँ। तो आपको लगता है उन पैसों का इस्तेमाल, वो पैसा आप लोगों के लिए ताकतवर हो रहा है साबित? हाँ, हो रहा है। हाँ। जी क्या कह रही हैं अम्मा? लोग को सहारा दे दिया है हेमंत सोरेन। हाँ। तो हम लोग उसे क्यों नहीं मानेंगे? दूसरा का मानेंगे? दूसरा कोई चीज का सहारा नहीं दिया है तो दूसरा का क्या मानेंगे हम लोग? भाजपा कह रही है 500 में सिलेंडर मिलेगा। सुनिए ना, आप भाजपा कह रही है जो जीतेगा, जिसका किस्मत होगा वो जीतेगा, और जिसका किस्मत नहीं होगा तो वो नहीं जीतेगा। यहाँ कहना ये है तो हेमंत सोरेन ने काम किया है। हाँ, हेमंत सोरेन बहुत काम किया है। वोट देंगी आप लोग? हाँ, वोट देंगे। चाचा, महिलाएं तो कह रही हैं कि सब हेमंत सोरेन को देने की बात कर रहे हैं, आप बताइए, उनको 1000 रुपया मिल रहा है, आप इस बार क्या माहौल है? ये हेमंत सोरेन का माहौल है, ये सब लोग कह रहे हैं, तो आप भी कह रहे हैं? कह रहा है, इधर हवा ही है हेमंत सोरेन का। नहीं, हम लोग तो ये राज दनवार है, यहाँ पे भाजपा कहती है कि हम ही जीतेंगे। जीतेंगे तो जिसका किस्मत होगा वो जीतेगा। जिसका किस्मत होगा वो जीतेगा। हेमंत सोरेन ने कोई काम किया है 5 सालों में? बहुत काम किया है, बिजली माफ किया। तो भाजपा कह रही है सब प्रदेश को लूट लिया। भाजपा तो लूट लिया है पहले जी, भाजपा तो लूटा है। भाजपा जो है यहाँ का जो है माल ले जा करके सब अपना पैसा मतलब जो है विदेश में देता है, और यहाँ जो है कंगाल कर दे रहा है। भाजपा तो लूटने वाला सरकार है, इसको तो इस भाजपा आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, क्या करेंगे, उसको तो कोई रोक नहीं सकेगा। जीतने से जो जीतेगा वही होगा, लेकिन हम लोग का लिए जो है हेमंत सोरेन ठीक है। क्या आप क्या कह रहे थे? जैसे बीजेपी सरकार कह रही है कि हम काला धन जो है लाएंगे, आज तक आया कभी नहीं, और ये देखिए अभी गैस सिलेंडर इतनी महंगा हो गया है, लोग मने पत्ते चुन चुन कर खाना बनाती है, और हेमंत सोरेन जी की जब सरकार उस समय थी तो 400 साढ़े 400, यूं देख लीजिए मने राशन पानी दाल हो, रिफाइन हो, चाहे कुछ भी प्रकार के, बहुत हर चीज़ महंगाई आसमान छू गई है, डीजल पेट्रोल सब पूरा, क्या करे, दिक्कत है। और हेमंत सरकार जी का नेतृत्व जब सरकार आई तो सबसे पहले इन्होंने अपना प्रावधान रखा कि गरीबों के लिए अपना लोन माफ़ कर दिया, और बिजली बिल भी माफ़, और मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया। इन्होंने वादा नहीं, वादा ये हेमंत सोरेन जी वादा किए हैं और निभाना भी उनको अच्छी तरह से आता है। और साथ ही साथ मैं यूँ कहूँगा कि जो वादा किए हैं हमें पूर्ण विश्वास है और उम्मीद है, और हम गरीबों के लिए यह एक झलकती किरण है कि 250 रुपये, 2500 जो देंगे मैया सम्मान योजना के तहत, उनकी सरकार अगर बन जाती है, गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार होती है, तो 2500। तो सबसे अहम भूमिका इस बात की है कि औरतों को, महिलाओं को अपने पति या अपने घर परिवार से किसी से लेना देने मांगने की जरूरत नहीं, वो अपना जिम्मेवारी खुद कैसे डील कर दे वो अपना समझ सकती। अच्छा, भाजपा कहती है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो आलमगीर आलम जैसे जो नेता हैं वो सब झारखंड को बेच खाएंगे। ऐसा नहीं है, देखिए पहले मैंने यूं कहा था कि मोदी जी कह रहे थे कि हमने काला धन, हम फिर इस मुद्दे पे उठाएंगे कि काला धन अभी तक कहाँ, अडानी अंबानी जैसे नेता को मैंने पूरा रिचार्ज देखिए कि पहले कम था 300-400, अभी रिचार्ज 800 ऊपर एवं ऊपर भाग रहा है, तो आदमी कहाँ, गरीबों के हित में कहाँ, कोई सरकार वैसे सोचने वाला कोई नहीं, अगर है वैसा सरकार तो यही है माननीय हेमंत जी और इंडिया गठबंधन के सभी लोग। सभी लोग जी, आप क्या कह रहे थे? हमको कहना है कृषि लोन जो है 2-2 लाख तक जो है से माफ किए, बिजली बिल माफ किए, 200 यूनिट बिजली भी दिए फ्री, और तरह तरह का मतलब जो है मैंने धोती साड़ी जो है देती है साल में, राशन में देखिए दाल देते हैं, और हर चीज में मतलब जो है कहने का जो है वो तो उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, वो तो जो करती है वो सरकार बीजेपी वो दूसरे को कहती है कि उसी तरह वो भी होंगे। तो भाजपा तो कह रही है कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग आ गए तो इरफान और आलमगीर आलम पूरे झारखंड को लूट लेंगे। वो लूटने वाला सब वही सब है, सब सहारा वाला पैसा खा करके साला सब जो है
क्या कर रहा है देख नहीं रहे हैं, सहारा वाला पैसा जो बोल रहा था कि अमित शाह कि हम सबको देंगे। आपका भी फंसा है? फंसा नहीं है। आपका कितना था? 3 लाख हमारा पैसा भी फंसा हुआ सहारा में। सहारा में तो क्या लगता है कौन सहारा होगा आपके? सहारा का सहारा होगा तो यही होगा हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन हम मैं कुज्जी गांव ना कुज्जी गांव में मौजूद था और मैं समझने की कोशिश कर रहा था। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं यहाँ महिला शक्ति भी है, तमाम लोगों से हमने बात करने भी कोशिश की, यहाँ बुजुर्ग भी थे नौजवान भी थे, तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि इस बार जनता का माहौल क्या है। महिलाओं में भी साफ झलक रहा था कि मैया सम्मान योजना जो है वो तमाम लोगों को मिला है। महिलाओं का कहना था कि उस पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चों के पोषण में, अपने बच्चों के स्कूल के ट्यूशन फी में और जगहों पर इस्तेमाल कर पाती हैं। अब महिलाएं इस योजना से अपने आप को स्वावलंबी महसूस कर रही हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।